नमस्कार मित्रों, राजनीतिक चुनावी मंथन में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं विक्की चंद्र राणीगांव आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही रोचक न्यूज। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव बाड़मेर जैसलमेर सीट के त्रिकोणीय चुनावी गणित के बारे में। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इसमें भाजपा से कैलाश चौधरी, कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह जसोल और बसपा से पूर्व IPS पंकज चौधरी, तीनों इस बार लोकसभा चुनाव में के मैदान में उतर चुके हैं। बात करते हैं कैलाश चौधरी की, जो भाजपा से खड़े हैं उनके बाड़मेर, वो भी बाड़मेर के हैं। और कांग्रेस से खड़े मानवेंद्र सिंह के बारे में बात करें तो मानवेंद्र सिंह ने पहला चुनाव 1998 में लड़ा था और कांग्रेस से के सोनाराम चौधरी सामने खड़े थे और 32,140 वोटों से हार गए थे। 2004 में भाजपा ने उनको दोबारा टिकट दिया और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड भी बनाया, 271,800 वोटों से सोनाराम से जीत गए। 2009 में फिर मानवेंद्र सिंह जसोल को भाजपा ने टिकट दिया और वो कांग्रेस के हरीश चौधरी से हार गए। इस बार भाजपा ने कैलाश चौधरी और कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को खड़ा कर पार्टियां बदल दी है। कैलाश चौधरी जो कि पहले कांग्रेस में थे अब भाजपा के प्रत्याशी है और मानवेंद्र सिंह जो कि पहले भाजपा के थे और कांग्रेस के प्रत्याशी है। कैलाश चौधरी के मजबूत पक्ष की बात करें तो जाट समाज के अच्छे प्रतिनिधि है और भाजपा किसान मोर्चा के राज्य मंत्री भी है और RSS की पहली पसंद भी है और युवा में बाड़मेर व बालोतरा दोनों क्षेत्रों में उनकी पकड़ अच्छी है। लेकिन कमजोर पक्ष की बात करें तो बालोतरा थाने में वो हिस्ट्री सीटर भी है और कर्नल सोनाराम का टिकट कटने के बाद भयभीत भी है, ये पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट है। दूसरी बात, हनुमान बेनीवाल भी कह चुके हैं कि वो RLP बीजेपी के गठबंधन के बाद बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में आकर उनके लिए प्रचार भी करेंगे। दूसरी बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह जसोल की बात करें तो इस क्षेत्र में उनका काफी दबदबा है। बाड़मेर जैसलमेर से मानवेंद्र सिंह राहुल गांधी के नजदीकी भी है और भाजपा छोड़ कांग्रेस में भी आ चुके हैं। उसी समय उन्होंने शर्त भी लगाई थी कि SC ST और राजपूत ने अपना नया फार्मूला अपना कर वो वोट लेंगे। पूर्व रह चुके सांसद जसो सिंह का भी, उनके पिता का काफी दबदबा इस क्षेत्र में है। कमजोर पक्ष की बात करें तो मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के लिए नया चेहरा है और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी में मानवेंद्र सिंह को लेकर भी काफी खींचातानी भी चली थी और अब मामला सुलझ चुका है। और जाट मतदाताओं की नाराजगी भी चल रही है कि उन्हें कांग्रेस के अंदर नहीं लाना चाहिए था, लेकिन हाई कमांड और उनके फॉर्मूले बनाए जा चुके हैं और उन्हें कोई बदल नहीं सकता। वही संसदीय क्षेत्र में जातिगत गणित से अनुमानित राजपूत रामणा राजपूतों के 2,40,000 वोट हैं और जाट समाज के 3,25,000 वोट हैं और मुस्लिमों के 3,00,000, अनुसूचित जाति के 2,50,000 के करीब वोट हैं और अनुसूचित जनजाति के 1,00,000, ब्राह्मणों के भी 1,00,000, वैष्णवी समाज के 50,000 और अदर OBC के 5,00,000 वोट हैं। बाड़मेर जिसमें लोकसभा पर चुनावी माहौल में वोटर भी उतर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के नए चेहरे पूर्व IPS पंकज चौधरी ने भी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने भी वहां आकर ताल ठोक दी है, लेकिन कल उनका नामांकन खारिज कर दिया गया जिससे त्रिकोणीय समीकरण भी बिगड़ सकता है। पंकज चौधरी पूर्व में बाड़मेर जैसलमेर में अपनी सेवा दे चुके हैं, इस वजह से इस बार लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका नामांकन कल खारिज कर दिया है। अब इन दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है, BJP और कांग्रेस के बीच, दोनों की जनता के बीच
अच्छी पकड़ है। अब देखना यह है कि चुनावी गणित में कौन सबसे आगे निकलता है और कौन पीछे रहता है। राजनीति की इसी तरह की जानकारी के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें।